में तो तूने मेरी फाड़ ही दी थी हैंडसम। लेकिन तुझे तो जेल में होना चाहिए ना। नायोमी के माँ को क्यों मारा? उसे तो तूने मारा। डिलीवरी करने को अग्री कर गया तू? अगल बगल में देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है। नायोमी के साथ भी यही किया? नहीं, क्या है उसके बॉडी के पार्ट अब तक पके नहीं है, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। लेकिन आंखें, आंखों की कोई उम्र नहीं होती है। उसे बेच के हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। मेरी एक छोटी सी डिमांड है बस, तू 5 साल के लिए अंदर चला जा। और क्या पता 5 साल बाद जब तू बाहर आएगा तो शायद सामने उसे ही खड़ी पाएगा। कल की बात करने वाला कल नहीं मरता, कल की बात करने वाला कल नहीं रहता, कल की बात करने वाला आज मरता है। सिर्फ आज का सोचने वाले के हाथों, और मैं आज की भी नहीं सिर्फ अभी की सोचता हूं। और तुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है वो तुझे तेरी सजा बताएगी। क्या? हाँ। तुम्हारी वो ईमेल वाली घटिया हरकत बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। आप इंटेलिजेंस हैं क्या? उखाड़ लिया आपने सारी इंफॉर्मेशन लेकर, ना आदमी मिला ना ड्रग्स, ऊपर से CIA ने हमारी अलग मारी। मानतू की सारी फाइल्स और बाकी सस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन हमें दे दीजिए और पीछे हट जाइए। मजाक कर रहे हैं क्या आप? कोई प्रॉब्लम है? आपको मानतू में इंटरेस्ट है या कबीर अहलावत में? दोनों मिलेंगे। केस हमने बनाया, रेड हमने डाली, 6 आदमी हमारे गए हॉस्पिटल, पकड़ेंगे भी हम ही। बीच में कोई भी आएगा तो देखूंगा नहीं कि कौन है। तुम सिर्फ इस केस के बारे में जानते हो, कबीर के बारे में नहीं। जख्मी शेर का शिकार नहीं करते। बॉयफ्रेंड अभी कबीर भी ढूंढ रहा है नायोमी को, इसने भी सुना है। ठीक से बताओ क्या हुआ? वो बहुत मारा वो दाढ़ी वाला, और वो वहां से मारा तो वो बंदूक। सर इनको बोलना ना मैंने कुछ नहीं किया है। आप उनसे? कबीर अलावत, नाम दिलीप सांगोड़कर, जल्दी शक्ल भी देख लोगे, ANC गोवा के लॉकअप में। उससे पहले एक बात बताओ, तुम नायोमी को ढूंढ रहे हो ना? जिंदा है, CCTV ग्रैब है हमारे पास, बागा के पास एक पेट्रोल पंप के ATM से कैश विड्रॉ किया है उसने। मिलना चाहते हो तो जो जानते हो बता दो। केविन और लुक फरेरा, उन्होंने भेजा था मानतू के पास उसे फंसाने के लिए, नायोमी और आना के जान के बदले में। आना को उन्होंने मार दिया, बस इतना ही जानता हूं। लूक और केविन का वो जो डीलर है ना, एडविन, हाँ ढूंढो उसको, बागा छान मारो। पूरा बागा? ठीक है, पूरा बागा तो पूरा बागा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बागा ढूंढने में क्या है। इनको बाय बोलो। बाय। चल यहां भी बाय बोलो। बाय। थैंक यू नायोमी। देखा, इसके जैसे बिहेव करेगा तो अपने मामा पापा के पास जाएगा। चलो अगर मैं गुड़गल बनूंगी तो मुझे मेरे मम्मा से मिलाओगे ना? Oh!
अरे काय को मार रहा है सर? कैसा है अडविन? क्या है इसमें? अरे कुछ नहीं है उसमें, देख रहा हूँ ना मैं। अरे सच में कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है सर। देखो बाबा, गोवा की पुलिस अपाहिज आदमी को कैसे परेशान कर रही है। अरे अरे उसमें उसमें कुछ नहीं। लगड़े सर, अभी गाड़ी तक भाग के जा वरना यहीं ठोक दूंगा। चल चल। वो सब मुझे नहीं पता सर, मैं सिर्फ ड्रग संभालता हूँ। इसे देखा है? आंखें तो है इसकी, ये मूंगी बनी होगी। मूंगी? मूंगी मतलब चींटी। माल बेचते हैं इनसे टूरिस्ट के हाथ, या पैसा लाना हो तो लेके भी आते हैं। सर इनका काम का तरीका बहुत सिंपल है। चींटी एक टॉय शॉप से कार का खिलौना उठाती है जिसमें ड्रग्स रखे होते हैं और चलने लगती है। अब क्या है ना साहब, बच्चों पर कौन पुलिस वाला शक करेगा, इसलिए चींटियां मतलब बच्चे सबका काम आसान कर देते हैं। और फिर वो खिलौना पहुंचता है गेमिंग जोन में, जो बच्चों के खेलने की जगह है। अब सर गेमिंग जोन में पुलिस चेकिंग करें ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां हमारा आदमी उस खिलौने को अपने पास रख लेता है और उसमें से ड्रग्स का पैकेट निकाल लेता है, और फिर दूसरा बच्चा आके वो ड्रग्स का पैकेट लेके आगे निकल पड़ता है। वो ड्रग्स का पैकेट पहुंचता है तीसरी जगह। ड्रग्स के बदले बैग में पुराने जूते रखे जाते हैं। असल में उन जूतों में क्लाइंट के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो फिर से गेमिंग जोन में डिलीवर होते हैं। वहां पहले बच्चे के हाथ में क्रेडिट कार्ड्स थमाए जाते हैं और वो आगे निकलता है। बीच रास्ते में तीसरा बच्चा वो बैग उठा लेता है और पहुंचता है एटीएम। तभी क्लाइंट पुलिस स्टेशन में कार्ड खोने की रिपोर्ट लिखाता है। पैसे का निशान नहीं रहता क्योंकि कैश में कोई लेन देन होता ही नहीं ना सर। और दिन में 20-30 क्रेडिट कार्ड्स का खो जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिसपे पुलिस का ध्यान जाए। और सर अलग अलग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई जाती है, पुलिस को जरा सा भी शक नहीं होता। ए रुको, तुम लोग इधर जाओ। यस सर।